मैं अपनी श्वेता मैम एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों यूट्यूब पर यदि आप मेरी वीडियोस को द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। बच्चों फिजिक्स का हमारा चैप्टर चल रहा है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम का कंजर्वेशन। ठीक है, कहना क्या चाहता है ये लॉ, क्या कहता है ये लॉ? कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यदि दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट है, देखिए कुछ बच्चों ने मैं क्लास में पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैम कोई इंडिविजुअल बॉडीज पर नहीं आएगा क्या? जैसे कि एक कोई है, कोई एक अकेला ट्रक है वो जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि वहां पर उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। ठीक है ना, वो अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ओके, अगर मैं हूं और मेरा मास है, मास तो मेरा वही रहेगा, बट अगर मैं रोड पर चल रही हूं तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो वहां पर मोमेंटम मतलब क्या होता है? मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी को आप नॉर्मल कहिए तो स्पीड है, ठीक है ना, जो कि ये किसी खास डायरेक्शन में है तो उसको हमने क्या कह दिया कि ये वेलोसिटी है। ओके, तो हम नॉर्मली स्पीड वर्ड लेकर के अगर हम बात करते हैं तो मेरा मास क्या है? मास का मतलब हम क्या कह सकते हैं? वजन कह सकते हैं। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है उसका अपना एक खास वजन है और एक खास स्पीड से अगर वो चल रहा है, ओके, तो अगर वो चल रहा है तो वो ये चीज सोच के नहीं चल रहा है कि मेरी स्पीड कितनी है, बार बार उसकी स्पीड क्या होती है? चेंज होती रहती है। एक गाड़ी भी अगर चल रही है रोड पर तो वहां पर क्या है, कभी रोड एकदम अच्छा मिलेगा उसको तो वहां पर उसकी स्पीड बढ़ जाती है, फिर कहीं अगर खड्डे मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ रफली रोड मिल रहा है तो वहां पर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मोमेंटम उसकी क्या हो रही है? बार बार चेंज हो रही है। ओके, ये जो हम लॉ पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये तब की बात है जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि हम दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, वहां पर तो एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस है कि उसका मोमेंटम जो है वो चेंज होता रहेगा, मास उसका चेंज नहीं होगा, बट उसकी जो स्पीड चेंज हो रही है, जो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसकी वजह से उसका मोमेंटम कभी कुछ रहेगा कभी कुछ रहेगा, बदलेगा। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ये तब की बात है जब हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिया, जैसे एक हमने ट्रक ले लिया और एक कार ले लिया। ठीक है, यहां पर मैंने दो ऑब्जेक्ट को यूज किया है, आप इसके अलावा भी और भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं कि भिड़ंत केवल दो में नहीं हो रही है बल्कि बहुत सारे भी अगर आपस में टकरा जा रहे हैं तो टक्कर से पहले, है ना, देखो बहुत ही इजी है ये लॉ, कह रहा है तराजू आप ले लो और टक्कर जब हुई, ठीक है, टक्कर अगर इनके बीच में आपस में कोलिजन होने वाला है, गाड़ियां हैं, आपने मूवी में देखा होगा बहुत सारी गाड़ियां आकर के आपस में लड़ जाती है, ठीक है, तो वो गाड़ियां जब लड़ रही थी ना उसके पहले उन गाड़ियों का सारे का आप क्या करो कि मोमेंटम निकाल लो। ठीक है, उसका मोमेंटम सबका हमने मोमेंटम निकाल लिया जो कि चल रही थी तो उनके अंदर वेलोसिटी भी थी, उनका मास भी अपना है, हमने उन सब का मोमेंटम निकाल लिया। ठीक है, फिर वो आपस में टकरा गई, टकराने के बाद फिर वापस वो अलग अलग हो गई, उनकी वेलोसिटी चेंज हो गई। ठीक है ना, टक्कर हुई और टक्कर के बाद अब अलग स्पीड से वो चलना शुरू कर दी। ठीक है, तो टक्कर होने से पहले सारी गाड़ियों का मोमेंटम हमने निकाला, टक्कर होने के बाद हमने सारी गाड़ियों का मोमेंटम निकाला। ठीक है, ये दोनों मोमेंटम क्या होगा? ये टोटल मोमेंटम इनका जो था, जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा, और टक्कर होने के बाद इनका जो मोमेंटम हमने निकाला वहां जो आंसर आएगा, ये दोनों आंसर हमेशा क्या होगा? एकदम इक्वल होगा, वो चेंज कभी भी नहीं होगा। यही कहता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। When two or more bodies act upon one another, अगर एक दूसरे से टकराते हैं, दो या दो से अधिक bodies अगर एक दूसरे से टकराते हैं, their total momentum remains constant, तो उनका total momentum जो है, collision से पहले जो momentum था और टकराने के बाद जो momentum होगा वो दोनों ही क्या होगा? Equal होगा। लेकिन यहाँ बात तब की हो रही है जब object हमने क्या लिया है? दो या दो से अधिक object हमने लिया है। ठीक है, तब की मोमेंटम की बात हो रही है ना, कि दो ऑब्जेक्ट थे, टकराने से पहले उनका मोमेंटम दोनों का टोटल करके जो है, टकराने के टक्कर होने के बाद जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। अब इसी को अगर हम शॉर्टकट में बोले और यहां पर देखिए एक लाइन यहां पे क्या लिखा है, मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। मोमेंटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसा कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वही यहां पर भी बात आ रही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, और मोमेंटम ना तो हमने क्रिएट किया है और ना तो इसको हम कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, अब देखिए अगर इस पूरे लॉ की बात करें तो लॉ बस यही है यहां पर, है ना, कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन,
यहाँ पे ये टक्कर हो रहा है, टक्कर से पहले इस ट्रक और इस कार का जो मोमेंटम होगा, फिर यहाँ पे टक्कर हो गई, टक्कर के बाद यहाँ पर वापस इनका मोमेंटम अगर हम देखते हैं तो टक्कर से पहले जो टोटल मोमेंटम आया ठीक है उसकी वैल्यू टक्कर के बाद हमने जो मोमेंटम निकाला उसकी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, यही हमारा लॉ कह रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है इसमें यही बताया गया है कि बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन क्या होगा, हमारा मोमेंटम जो है वो इक्वल रहता है। ठीक है, अब इसी चीज को हम चलिए लिखते हैं। देखिए बच्चों, हमने ये ले लिया ट्रक, ठीक है, इसको हमने नंबर दिया है 1, है ना, मतलब कि हमारा पहला ऑब्जेक्ट है ये 1। यहाँ पे कह रहा ना कोई दो या दो से अधिक बॉडीज हो, ठीक है, तो हमने पहली बॉडी जो ले ली, पहला जो हमने ऑब्जेक्ट लिया वो ले लिया ट्रक, और जो दूसरा हमने ऑब्जेक्ट ले लिया वो है हमारा कार। अब इसका ट्रक का अपना एक मोमेंटम होगा, मोमेंटम का मतलब इसका अपना एक मास होगा और इसकी अपनी एक वेलोसिटी होगी। तो इसका जो अपना मास है उसको हमने मान लिया कि ये M1 है, क्यों, क्योंकि हमने इसको 1 नंबर दिया ना, ये पहला लिया तो इसमें हम सारा 1-1 यूज करेंगे, तो 1 नंबर दिया तो हमने इसका मास को ले लिया कि ये M1 है। और इसकी जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास M1 ले लिया हमने, और वेलोसिटी क्या ले लिया कि अभी प्रारंभिक वेलोसिटी होगी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, अभी तो इसकी मतलब स्पीड अभी क्या है, स्टार्टिंग की स्पीड है, ठीक है ना, और एक टक्कर होने के बाद स्पीड होगी, तो दो चेंज अलग अलग वेलोसिटी होंगे ना, तो पहले वाले वेलोसिटी को हमने इनिशियल वेलोसिटी U1 ले लिया। ठीक है, दूसरा जो हमारा है कार है, दूसरा ऑब्जेक्ट, इसको हमने 2 नंबर दिया है, तो इसके मास को भी हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है, ये हमारा M2 हो गया, और इसकी जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगी उसमें हमने क्या कर दिया, 2 यहाँ पर लिख दिया ताकि हमको पता चल सके कि ये किसका वेलोसिटी है। ठीक है, तो यानी कि अगर इसका मोमेंटम हमने निकाला तो मास इनटू वेलोसिटी M1 U1 आ गया, इसका मोमेंटम हमने अलग से निकाला तो M2 U2 आ गया, दोनों के मोमेंटम को हमने ऐड कर दिया तो हमारा क्या आ जाता है, M1 U1 और प्लस M2 U2। ठीक है, ये आ गया दोनों का मोमेंटम, है ना, यहाँ तो बात आपको क्लियर है। अब देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पर कोलिजन हो रहा है, ठीक है ना, कोलिजन जब इनके बीच में टक्कर होती है, यहाँ पर टक्कर हुई, टक्कर होने के बाद इनकी स्पीड ऑब्वियस बात है कि टक्कर होगी तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज हुई तो हमारा जो पहले नंबर वाला था वहां पर ट्रक जो हमारा है उसका मास हमने वहां पर क्या ले रखा है, M1, तो मास तो यहाँ पर भी M1 ही रहेगा, मास थोड़ी बदल जाएगा, ठीक है ना, टक्कर हुई लेकिन ऑब्जेक्ट तो उतना ही वजनदार है ना, तो वहां पर M1 है, यहाँ पर भी क्या हमने मास लिया है, M1 लिया, वहां पर ट्रक का हमने वेलोसिटी क्या लिया है, U1 लिया है, क्यों, क्योंकि वो इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पर हम वेलोसिटी क्या ले रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लेंगे, V1 ले लेंगे, हमने दोनों में 1-1 जोड़ा यहाँ पर भी, क्यों, क्योंकि हमने इसको 1 नंबर लिया है। ठीक है, अब हमारा उस कार जो था, उस कार का टक्कर के बाद में उसकी भी वेलोसिटी चेंज हुई है, ठीक है, लेकिन मास तो उसका भी वही है अभी भी, तो ये हो जाएगा M2 और वेलोसिटी हम क्या ले लेंगे, फाइनल वेलोसिटी यानी कि V2। तो ये इसका मोमेंटम हुआ, कब का मोमेंटम हुआ, टक्कर होने के बाद, टक्कर होने के बाद इस कार का मोमेंटम हुआ M2 V2, इन दोनों को ऐड कर दो तो टक्कर होने के बाद दोनों का टोटल मोमेंटम निकल जाएगा। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हमारा क्या आ जाएगा, M1 V1 और प्लस M2 V2। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पर ये चीज लिखा, अगर आपसे ओनली पूछता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताइए तो ऊपर वाली ये लाइन लिखेंगे, ये वाली लाइन लिखेंगे। ठीक है, ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ करो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, है ना, या दो ऑब्जेक्ट केवल 1-2 ऐसे बॉक्स बना करके भी आप लिख करके बता सकते हैं, और हम ये चीजें यहाँ पर लिख देंगे कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और ये वाली लाइन लिख देंगे। ठीक है, अब अगर आपको कहता है, अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो इसका लॉ क्या होता है, तो आप यहाँ तक लिखेंगे। ओके, अब अगर आपको कहता है कि इस चीज को प्रूफ करके दिखाइए, है ना, कि क्या रियल में ऐसा होगा, ऐसा नॉर्मली तो लग नहीं रहा है ना, कि पहले जो मोमेंटम रहा होगा बाद में भी वही मोमेंटम होगा, कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। फिजिक्स की बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, जो कि इस समझ से परे होती हैं। अभी हम और अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी, वहां पर भी हम देखेंगे कि जिस चीज को हम यहाँ पर बैठ के काम कर रहे हैं लेकिन फिजिक्स कहता है कि नहीं आपने कुछ भी काम नहीं किया। ठीक है, तो ये भी चीज यहाँ पर क्या है, हमको नॉर्मल नहीं लग रहा है कि अच्छा वापस क्या ऐसा वाकई होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला तो ये चीज है। अब देखिए, अगर इसको मैथमेटिकली अगर ये प्रूफ हो रहा है, इट मीन्स कि ये सही है,
और ऐसा नहीं है ये लॉ यहाँ पर आया है ना तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट पर प्रैक्टिकल करने के बाद ये चीजें बताई गई हैं, ठीक है, कि बिल्कुल ये सही है, ऐसा ही होता है। ओके, तो चलिए वी हैव टू प्रूफ इट, है ना, इसको प्रूफ करते हैं कि क्या ये चीज आ जाएगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर आपको कहता है प्रूफ करके भी बताइए तो यहाँ के बाद हम आगे और यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन क्या कहते हैं, उनका तीसरा नियम क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट में अगर फोर्स लगाया, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एक्शन, उतना ही अपोजिट फोर्स भी लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इनके लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो जब यहां पर कोलिजन हुआ, जब टक्कर हुआ, तो इस ट्रक ने क्या किया, फोर्स लगाया किसके ऊपर, इस कार के ऊपर। ठीक है ना, ट्रक जा रहा है और ट्रक ने धक्का मारा कार के ऊपर, ठीक है, तो इसने इसके ऊपर किया एक्शन, तो ये कार जो है इसने भी तो जब टक्कर हुई तो इसने भी तो कुछ फोर्स लगाया ट्रक के ऊपर, तो इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया वो क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। ठीक है, यानी कि यहां पर न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है, एक्शन और रिएक्शन। ओके, अब ट्रक ने जो इसके ऊपर फोर्स लगाया, पहले फर्स्ट वाले ने जो फोर्स लगाया, ठीक है, उसको हमने क्या लिख दिया, एफ वन लिख दिया, इसने जो फोर्स लगाया उसको अगर हम ले लेते हैं एफ टू। ठीक है, तो ये जो हमने एफ टू लिखा है यहां पर हमने नेगेटिव लगाया है, नेगेटिव, यहां पर साइन नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि इसने जितना इसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, वैल्यू तो बराबर है ना, कि इतना फोर्स इसने, जितने न्यूटन का फोर्स इसने इस पर लगाया उतने ही न्यूटन का फोर्स इसने इस पर भी लगाया, तो फोर्स की वैल्यू तो क्या होगी यहाँ पर, इक्वल है, इज इक्वल टू। ठीक है, लेकिन ये इस दिशा में लगा रहा है और ये इस दिशा में लगा रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो गया, दोनों का अपोजिट हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या है, माइनस लगा हुआ है ना, फोर्स तो इक्वली लगा है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई, समझ में आया कि टक्कर जब होगी तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे फॉलो होगा। अब एफ वन हो गया ये और माइनस एफ टू, अब अगर इसको हम ओपन कर देते हैं, है ना, हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन का जो हमारा सेकेंड लॉ है उसमें फॉर्मूला न्यूटन ने क्या दिया था, F इज इक्वल टू एम ए। अब हम F को ओपन करना चाहते हैं और इसको ओपन करके थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखेंगे, तो इसके जगह पे हम एम ए लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बात समझने वाली है, जो F1 ने फोर्स लगाया, ठीक है, वो फोर्स फील कौन करेगा, है ना, क्या F1 के द्वारा, मतलब ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया गया फोर्स, जो वो फोर्स लगा रहा है क्या वही फोर्स वो अपने ऊपर फील कर रहा है, मतलब कि उसके द्वारा लगाया गया फोर्स तो कौन फील करेगा, सामने वाला फील करेगा ना, ये एक थप्पड़ अगर गाल पे पड़ता है तो इसने जो फोर्स यहां लगाया इसकी फीलिंग हमको, इसके द्वारा लगाया गया फोर्स हमको कहां फील होगा, यहां फील होगा सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट पर, यानी कि इसका असर हमको यहां दिखेगा और इसका असर यहां दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, जो इसने फोर्स लगाया वो इसके ऊपर ये फील कर रहा है, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये टू वाला फील कर रहा है, तो इसने कितना फोर्स फील किया। ठीक है, तो इसको जब हम ओपन करेंगे ना तो हम इसको क्या लिखेंगे, एम टू ए टू, है ना, क्योंकि अपोजिट हो रहा है, फील ये कर रहा है। ठीक है, तो एफ वन यहाँ पर तो हमने बताया न्यूटन्स का लॉ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर तो लिख दिया, लेकिन ओपन करके हम बता रहे हैं इसको कि इसका वैल्यू क्या होगा, जितना फोर्स इसने फील किया है तो वो एम टू ए टू इसने फील किया है। ठीक है, और इसने क्या फील किया, जो फोर्स इसने लगाया उसको इसने फील किया, तो इसे पूछा गया तुमने कितना फोर्स फील किया। ठीक है, तो ये बताएगा जितना फोर्स इसने लगाया उसको बताएगा कि मैंने कितना फोर्स फील किया, तो इसने कितना फोर्स फील किया, तो ये आ जाएगा हमारा एम वन ए वन। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू ये फील कर रहा है, इसकी वैल्यू ये फील कर रहा है, कुल मिलाकर के अपोजिट आपको लिख देना है, है ना, तो यहां हम क्या लिखेंगे एम टू ए टू और इज इक्वल टू हम यहां पर क्या लिखेंगे माइनस M1 A1, ओके क्लियर। अब आप देखिए इसके आगे बढ़ते हैं, अब आप इसमें क्या करिए कि A को भी अब जरा ओपन कर दीजिए, है ना, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको ओपन कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए। मेन समझने वाली बात हमारी यही पे थी कि थर्ड न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है, लेकिन F की वैल्यू हम क्या लिखेंगे इसमें, अपोजिट लिखेंगे, क्योंकि इसका फोर्स ये फील कर रहा है, इसका फोर्स ये फील कर रहा है, तो इसने कौन सा फोर्स फील किया, ठीक है, सेकंड वाले ने कौन सा फोर्स फील किया, फर्स्ट वाले का फोर्स फील किया, और फर्स्ट वाले ने कौन सा फोर्स फील किया, सेकंड वाले का फोर्स फील किया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको जब ओपन किया ना तो इसको अपोजिट करके लिखा है। ओके, अब ए की वैल्यू आप देखिए, ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ए मतलब एक्सेलरेशन, क्या होता है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर ए टू है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी टू माइनस यू टू अपॉन टी, है ना, इसको हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, टू था तो हमने यहाँ पर टू ही लिखा है। ओके, अब इसमें देखिए
सब ऐसे ही चलता रहा है, एम वन हमने यहाँ पर ले लिया, ए को हमने ओपन कर दिया, तो क्या आ गया हमारा वी वन माइनस सी वन अपॉन टी। ओके, इसको हमने ओपन करने के बाद अब हमने क्या किया, दोनों साइड में हमारा टी टी है, टी को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। टी को कैंसिल कर देंगे तो हमारे को बचेगा क्या यहाँ पर एम टू, ये हमारा बचा एम टू। अब एम टू को हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो एम टू का मल्टीप्लाई वी टू में करेंगे तो क्या आएगा एम टू वी टू, एम टू का मल्टीप्लाई यू टू में करेंगे तो क्या आएगा हमारा एम टू यू टू, और दोनों के बीच में कौन सा साइन है, नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इसको हमने जब कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर ये आ गया इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए जब इसको आप ओपन करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर नेगेटिव साइन भी है। ठीक है, तो माइनस एम वन वी वन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ माइनस एम वन वी वन, तो यहाँ पर तो आ गया माइनस एम वन वी वन, लेकिन इस माइनस का जब इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है प्लस। ठीक है, तो ये प्लस हो गया हमारा, उसके बाद पहले हमने साइन लिख लिया माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस, यहाँ प्लस हो गया। अब हमारा एम वन मल्टीप्लाई बाय यू वन इज इक्वल टू एम वन यू वन। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो ये एक लाइन हमको मिली है ना उसमें हम क्या करते हैं कि सारे वी वाले को एक साइड में ले लेते हैं और यू वाले को एक साइड में ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा एक तो हमारे क्या है यहां पर, देखिए ये रहा हमारा v वाला वैल्यू एक ये है और दूसरा v वाला वैल्यू क्या है हमारा ये है। ठीक है, इन दोनों को एक साइड में कर दो, तो यहां पर देखो वन वाला है ये क्या है हमारा माइनस एम वन वी वन, इसको जब आप इज इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो गया। ठीक है ना, ये चीज हमने यहां लिखा एम वन वी वन, अब इसके आगे कौन सा साइन लग गया यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब प्लस लग गया, क्यों, क्योंकि ये माइनस था ना तो इज इक्वल टू को उधर आया, तो ये पूरा वैल्यू किसमें चेंज हो गया प्लस में और प्लस। ठीक है, अब हमारा देखिए ये वाली वैल्यू हम लिखने वाले हैं तो इसके आगे तो प्लस साइन है ही, तो प्लस हमने लिख दिया एम टू वी टू, ये दोनों वी वाले एक साइड में आ गए। अब इधर का देखो, इधर हमारा एम वन और यू वन यहाँ तो पहले ही था, ठीक है, और यहाँ माइनस एम टू यू टू था, तो इस माइनस के साथ इसको इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा माइनस चेंज हो जाएगा इज इक्वल टू की इधर आकर के प्लस में, तो प्लस एम टू यू टू। ओके, अब हमने वी को एक साइड में कर लिया और यू को एक साइड में कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको रीअरेंज कर लेते हैं, यानी कि सिर्फ इसको लिख देते हैं ऐसे, जैसे यू को हम पहले लिख देते हैं इज इक्वल टू के इधर और वी वाले को इधर लिख देते हैं, इसको अगर हम उठा करके उधर लिखें, कुछ किया नहीं है, है ना, सब कुछ यहाँ पे तो हो गया हमारा, सिर्फ यू को पहले लिख लेते हैं और वी को बाद में लिख लेते हैं, यहाँ पर वी वाला पहले है यू वाला बाद में है। ठीक है, तो इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लेंगे तो क्या होगा हमारा यू वाला पहले आ जाएगा एम वन यू वन, ठीक है, प्लस एम टू यू टू, पहले हमने यू को कर लिया इज इक्वल टू, उसके बाद हमने क्या किया v को कर लिया m1 v1 और प्लस m2 v2। जब यहां तक हम आ गए, जब हमने ये किया तो हम क्या देखते हैं कि हम तो चले थे न्यूटन के थर्ड लॉ से चले थे, लेकिन हम पहुंच कहां गए, पहुंच गए हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। ठीक है, ये चीज क्या बता रहा है, देखिए ये मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या आया m1 u1 plus m2 u2, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 और प्लस एम टू वी टू। ठीक है, तो बच्चों चले थे कहाँ हम, हमने तो न्यूटन का थर्ड लॉ लगाया, लेकिन जब इसको ओपन करते गए तो हम कहाँ पहुंच गए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब यही कहता है कि बिफोर कोलिजन अगर दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट है तो उनका जो टोटल मोमेंटम होगा वो कोलिजन के बाद भी उतना ही रहेगा, कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर करिए जिनको भी, जो भी स्टूडेंट है और जिनको भी इस टॉपिक की जरूरत है। ओके बच्चों, तो स्टडी करते रहिए, हैव अ नाइस डे।